नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भारत, जय बिहार। मेरा नाम है विकास कुमार। चुनावी दौर चल रहा है और कार्यक्रम चुनावी चर्चा में हमारे साथ किसी विधानसभा क्षेत्र के नेताजी होते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि जो नेताजी जनता के बीच चुनावी मैदान में हैं, वो किस मुद्दे के साथ हैं, उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, जनता से वो क्या वादे करते हैं। यह बात दिगर है कि नेताओं के वादे अक्सर टूट जाते हैं। आज चुनावी चर्चा में हमारे साथ नाथनगर विधानसभा से राजद प्रत्याशी अली अशरफ सिद्दीकी हैं। अली अशरफ सिद्दीकी पर इस बार राजद ने भरोसा किया है। अली अशरफ सिद्दीकी मूलतः जगदीशपुर बलुआचक के रहने वाले हैं और बरसों से राजद से जुड़े रहने के कारण इस बार तेजस्वी यादव ने अली अशरफ सिद्दीकी पर भरोसा जताया है। अली अशरफ सिद्दीकी तेजस्वी यादव के भरोसे पर कितना खरा उतर पाते हैं, यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल आज हमारे साथ हैं सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। कयास लगाए जा रहे थे कि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से कई जो है राजद के प्रत्याशी के दावेदार हैं चुनावी मैदान के लिए, लेकिन पार्टी ने आप पर भरोसा किया। क्या लगता था आपको कि पार्टी आप पर भरोसा करेगी? देखिए, हमेशा आदमी को उम्मीद से भरा रहना चाहिए। हमको उम्मीद थी कि टिकट हमको मिलेगा, सिंबल मिलेगा हमको, हम मिला। हम लोग 43 आदमी थे दौड़ में, हमको मिला। ये पार्टी के हाई कमान का फैसला है और उन्होंने जो भरोसा जताया है मेरे ऊपर, ऊपर वाले से उम्मीद है कि हम लोग उस भरोसे पर पूरा उतरें, हम उस भरोसे पर पूरा उतरेंगे जी। आपके जो क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र हैं सर, खासकर देखा जाए तो जगदीशपुर की तरफ किसान की समस्याएं जो हैं, किसानों की समस्या है और खासकर सिंचाई को लेकर ज़्यादा समस्या है, तो क्या लगता है कि इस बार जीतने के बाद समस्याएं खत्म हो जाएगी? मेरी पहली प्रायोरिटी यही होगी कि हम इरिगेशन के ऊपर काम करें, सिंचाई पर काम करें, किसान के बुरे हालात को बदलने पर काम करें। और ये सिर्फ जगदीशपुर प्रखंड की ही बात नहीं है, भागलपुर ज़िला बाढ़ और सुखाड़ से जूझ रहा है। कुछ इलाका बाढ़ से तराईमान रहता है, कुछ सुखाड़ से तराईमान रहता है। हम इस पर पूरी कोशिश करके अपने कम से कम विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों में बाढ़ और सुखाड़ पर नियंत्रण लगाने की बात करेंगे। अगर खासकर देखा जाए सर, तो नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे तो बहुत सारी समस्याएँ हैं और एक समस्या जो है रेलवे फाटक का है, नाथनगर रेलवे स्टेशन के समीप। इन समस्याओं का क्या होगा? देखिए, समस्या बहुत है, अनगिनत है। हमारी सरकार अगर बनेगी, हम लोग इस पर पहल करेंगे। शिक्षा को लेकर देखा जाए तो जगदीशपुर के कई गांव ऐसे हैं जो कि शहर से जुड़ नहीं पा रहे हैं। वहां के जो बच्चे हैं वो मुख्य रूप से शहर से टच नहीं कर पा रहे हैं, तो शिक्षा को लेकर क्या प्रायोरिटी रहेगी? शिक्षा ही नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की स्थिति हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में जर्जर है। तीन प्रखंड होते हुए मात्र 3 अस्पताल है, वो भी बुरे हाल में। स्कूल में जो पढ़ाई का तरीका है, आजकल पढ़ाई को किताब को किनारे करके प्लेट थमा दिया गया है लोगों को, स्लेट हटा करके दिक्ची पर नज़र लगा दिया है बच्चों का, कि पढ़ाई क्या होगी। आप कैसे समझते हैं कि पढ़ाई होगी? वर्तमान की जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, अगर सुशासन की सरकार बोलते हैं, आपको क्या लगता है? ये तो आप बता सकते हैं, जनता से पूछिए क्या हाल उनका। उनसे बड़ा कुशासन कभी नहीं हुआ बिहार में। और जो उनका रवैया है, कि अगर ये रवैया उनका कायम रह गया, सरकार अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं बदली, तो बिहारियों का क्या होगा? किसान बिल है, नल जल है, साथ निश्चय है, ये सब क्या है? धोखे का टट्टू है, धोखे का एक परंडा है। और सरकार इंतहाई धोखेबाज सरकार रही है। और इस बार जनता जो है बदलाव चाह रही है। निश्चय हम लोग की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, और फिर हम लोग अपने मैनिफेस्टो में जो इतनी बात लिखा है उसको पूरा करेंगे। एज देर एज लोकल प्रॉब्लम जहाँ जहाँ भी है उसको पूरा करेंगे, ठीक करेंगे। देखा जाए सर, तो नाथनगर विधानसभा से लड़ाई तो बहुत सारे लोगों वहाँ से जो प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी लड़ाई किन से होगी? हमारी लड़ाई कुल 17 आदमी से है और हम उसमें सबसे मजबूत हैं। आप सबसे मजबूत हैं। इंडीड।
विधानसभा क्षेत्र नाथनगर की बात करें तो वहाँ समस्याएं तो बहुत है ही, और खासकर बाढ़ और सुखाड़ की आपने बात करा, तो बाढ़ से पीड़ित जो लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत सारे इस बार जो है नेताजी आए थे, सामने आए थे, और समाज सेवा के रूप में आप भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि समाज सेवा के तौर पर आप कहीं पीछे रह गए थे और सब लोगों की अपेक्षा? देखिए, हमारी आदत नहीं है किसी से आगे बढ़ने की, उनके साथ चलने की आदत है। अगर आप काम कर रहे हैं तो हम भी काम कर रहे हैं आपके साथ मिल करके, और हम कोई डेकोरेशन के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए काम नहीं करते हैं। काम करना है तो जिस आदमी के लिए काम कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए काम कीजिए। आपके विधानसभा क्षेत्र में सर बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि प्रतिभावान हैं बच्चे, और खासकर देखा जाए लड़कियां भी उसमें शामिल हैं, ऐसे बच्चों के लिए कोई प्रायोरिटी आपने रखा है, तय किया है? हर तरह के हम लोग एजुकेशन में भी हेल्प देंगे, एजुकेशन मिलने के बाद उनको जॉब भी देंगे। और हमारा अक्सर जो है जो प्रत्याशी मैदान में, इस बार चुनावी मैदान में है, उनसे मेरा सवाल रहता है कि आपको आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता क्यों वोट करे। ऐसा हम इसलिए पूछते हैं ताकि जनता को पता चले कि आप उनके लिए क्या प्लानिंग किए हुए हैं, आप उनके लिए क्या सोच रखे हुए हैं। तो वही सवाल आज आपसे मेरा है कि आपको जो है नाथनगर विधानसभा की जनता क्यों वोट करे? इसलिए वोट करेगी कि हम हमेशा उनके साथ रहे हैं, उनके दुख दर्द में शरीक रहे हैं, उनके बुरे अच्छे दिन में साथ रहे हैं, इसलिए वो हमको वोट करेगी। कोई अपील करना चाहेंगे अपनी विधानसभा की जनता से? कोई अपील नहीं करेंगे, सिर्फ ये अपील करेंगे कि इस कुछ जो रद्दी सरकार है, दलबदरू सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसको जनता बदली कर दो। डबल इंजन की सरकार कहाँ तक विकास कर पाई है प्रदेश में, सूबे में? कुछ नहीं किया, आप कहीं दिखला दीजिए। आज नल जल की बात कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब, वो देख लेंगे कितना परसेंट वो है। शौचालय की बात कीजिए आप, क्या आज बाहर जाना बंद हो गया क्या? बिल्कुल बंद नहीं हुआ। तो ये सब खाली एक कागजी खानापूरी है धोखे की सरकार का, और इस धोखे की सरकार को हम लोग बदल करके एक अच्छी सरकार देंगे, और जनता की भलाई के लिए जो हमसे बन पड़ेगा हमारी सरकार से हम लोग करेंगे। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर मेरी सरकार बनती है, तो युवाओं को 10 लाख नौकरी दी जाएगी। बिल्कुल देंगे हम लोग। आज आप किसान की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आज हमारे खेत का अनाज दूसरे शहर में जाके, दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्से में जा करके वो एक ब्रांड बनता है, और फिर हम उसको ऊँचे दाम में ख़रीदते हैं, और हमारा जो सामान जाता है दूसरे प्रदेश में, देश में, वो इंतहाई निम्न वैल्यू पर जाता है। किसान को अगर एग्रो इंडस्ट्री लगाई जाए, अगर किसान के उत्थान की बात की जाए, तो बहुत तरह का रास्ता, और वो जब होगा तो खुद जो है उनको जॉब मिलेगा, और 10 लाख या हम 1 करोड़ जॉब दे सकते हैं। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो इरिगेशन का प्रॉब्लम है, इरिगेशन या बाढ़ और सूखा का जो प्रॉब्लम है, अगर ये इसका निदान हो जाए परमानेंटली, तो हमारे यहाँ जॉब की अपार संभावना है। देखा जाए तो अक्सर हमारे प्रदेश में बात होती है, खासकर चुनावी दिन में एक बात सामने उभर के आई कि युवा जो है, युवाओं की भागीदारी, हालांकि राजनीति हो या खेल का मैदान हो, युवाओं की भागीदारी अहम मानी जाती है, और आपकी भी पार्टी जो है युवाओं की बात करती है, ऐसे में आप खुद को कहाँ पर देखते हैं? हम कहाँ देखेंगे, हम तो आपके सामने बैठे हुए हैं। नहीं, एक होता है कि बात युवाओं की चल रही है तो युवा मेरे रीढ़ की हड्डी हैं, युवा मेरे भविष्य हैं, हम उनके साथ हर तरह का जो बेहतरी हमको करने का क्षमता होगा हम लोग करेंगे। बेहतर भविष्य के लिए जगदीशपुर, खासकर देखा जाए तो नाथनगर विधानसभा के लिए बेहतर भविष्य के लिए कुछ कहना चाहेंगे अगर आप अभी जीतते हैं इस बार तो? हम उनके स्टूडेंट्स के, नौजवानों के की तरक्की के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के प्रमोट करने के लिए हम हर तरह के कोशिश करेंगे। चलिए ऐसे देखिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं आपकी जो जर्नी हो, आगे की यात्रा हो, वो मंगलमय रहे। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अली अशरफ सिद्दीकी जी, जो कि जो राजद की तरफ से नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे हैं, और मैं भी चाहूँगा कि आप जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और अपने नज़दीकी मतदान केंद्र पर मतों का प्रयोग करने जरूर जाएं। हालांकि कोरोना का काल चल रहा है तो ऐसे में विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, तो विशेष सावधानी बरतते हुए अपने मतों का प्रयोग ज़रूर करें।